हेलो स्टूडेंट्स आई एम किरण चौहान टुडे आई एम हेयर टू टीच यू साइंस ऑफ क्लास आई टीच यू यूनिट फर्स्ट ऑफ लेसन नंबर इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स व्हाट इज रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस जब कोई लिविंग बीन प्रोड्यूस करता है अपने ही जैसे काइंड को दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन

सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्राम देअर बॉडी पार्ट सच एज स्टैम रूट लीप ले रिप्रोडक्शन फ्राम रूट्स रिप्रोडक्शन फ्राम लीप्स फर्स्ट रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टैम सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देअर स्टैम कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम से रिप्रोड्यूस होते हैं द स्टेम कटिंग हैव बर्ड्स ऑन दिज कटिंग इन द सॉइल आफ्टर फ्यू डेज द बर्ड्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स। कुछ जो प्लांट्स स्टेम से रिप्रोड्यूस होते हैं उनको स्टेम से कट करके उनको साइल में प्लांटेड करते हैं आफ्टर फ्यू डे कुछ समय बाद आप उनको देखोगे तो जो बर्ड्स ग्रो करके एक न्यू प्लांट बनाया है द रोज हिबीस एंड बॉगेनवि एंड सुगर केन ग्रोज दिस वे ये एग्जाम्पल है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टैम की द पोटेटो इज एन अंडरग्राउंड स्टैम इट हैज आइज ऑन इट पोटेटो एक अंडरग्राउंड स्टैम होता है इसके पास आइज होती है जो अंडर प्रॉपर कंडीशन में आइज ग्रो करके एक न्यू प्लांट बनाता है जिंजर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम जिंजर एक एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड स्टेम का प्लांट्स लाइक अनियन लीली एंड टूलिप ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम का बर्ब्स जो अनियन लीली और टूलिप है ये अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम्प है इनको बर्ब्स कहते हैं क्योंकि दे आर शेप लाइक बर्ब्स क्योंकि इनकी जो शेप्स होती है वो बल्ब के जैसी होती है नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स

तो जो ये प्लांट का पार्ट होता है ये रूट वाला आ, पार्ट होता है जो हम ईट करते हैं ये एग्जाम्पल है रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स के नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीप्स। सम लीप्स ग्रो प्लांट्स फ्रॉम द लीप्स ऑफ ब्रोयोफिल बर्ड्स अलोंग सच लीब्स आर हैवी एंड रिमेन नियर द ग्राउंड द न्यू प्लांट्स हैव दियर ऑन लीब्स

एक प्लांट्स न्यू प्लांट्स को ग्रो करता है नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर्स दिस फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रांग विंड्स और हैवी रेन्स और आर ईटन बाय इंसेक्ट और बर्ड्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लावर्स होते हैं फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स और ये जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट और सीड्स और फ्रूट्स के पास क्या होते हैं सीड फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं सीड्स सीड्स मीन्स बीज द सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय और ये सीड डिस्ट्रॉय होके नस्ट होके एक स्ट्रांग विंड हवा से या हैवी रेन से ये डिस्ट्रॉय होके नस्ट होके इनको ईटन एट, बाय इंसेक्ट और बर्ड बर्ड या इंसेक्ट इनको ईट करके एक न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस करता है एंड द नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीट दिस इज अ सीट दिस इज सीट कोट एंड होल फॉर वाटर स्कै एंड बेबी शूट बेबी रूट एंड कॉटिलेडन्स अ शीट हैज थ्री मेन पार्ट फॉर सीड कोट सीट लीव्स Cotyledons, baby plants, embryo, embryo, baby shoot, and baby root. And uh, the outer covering of a seed is called seed coat, which protects the baby plant. If we break the seed along its joint, it opens into seed leaves. These seed leaves are cotyledons. They provide food to the growing plant. As long as the baby plant does not grow green leaves, it depends on the food stored in the cotyledons. Some seeds like gram, pea, and beans have two cotyledons. Two cotyledons. They are called dicotyledons. Di they provide food to the growing plant. As long as the baby plant does not grow green leaves it depends on the food store in the cotyledon some seeds like gram pea and beans have two cotyledons they are called dicotyledons wheat maize and rice have one cotyledon they are called monocotyledons between the cotyledon is the baby plants called embryo embryo it has two part it has two part baby shoot and baby root <clears throat> baby shoot grows up to form the stem leaves and flower the baby root grows down into the soil and form roots of the plant and the next is germination of seeds first condition put some dry gram or bean seeds in a plate and keep it one window still where it can get enough air and sunlight put some soaked seed in a bowl cover them with water keep the bowl on a window sill put some soaked seed in a plate and keep it inside a refrigerator put some soaked seed on moist co cotton in a plate and keep it on window sill keep the cotton moist on the, all the time and the next is reproduction form spores some plants do not have flowers. they make spores. each spores can grow into a new plant. ferns, mushroom, and other fungi also make spores. dispersal of seeds. most plants produce a very large number of seeds. if all of them were to fall under the mother plants, not all would survive. dispersal of seeds. प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स और फ्रूट अवे फ्रॉम देअ देर मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ऐसी प्रोसेस जब कोई एक फ्रूट या सीड्स किसी मदर प्लांट से स्कैटर होता है स्कैटर मतलब फूटता है ठीक है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स द डिस्पर्सल ऑफ सीड इज कैरीज

द ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड कल्टिवेशन क्रॉप्स को ग्रो करना कल्टिवेशन कहलाता है कल्टिवेशन मीन्स खेती करना क्रॉप्स आर डिफरेंट काइंड क्रॉप्स अलग अलग टाइप के होते हैं फूड क्रॉप्स फाइबर क्रॉप्स ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स रवि क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स समर क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स गर्मियों की जो फसल होती है दैट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स राइस मैस पल्सिस जॉब बाजरा जूट हेम्प कॉटन पीनट्स आर ग्रोन इन समर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मॉनसून एंड द नेक्स्ट इज रवि क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड रवि क्रॉप्स सर्दियों की जो फसल होती है उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं सम रवी क्रॉप्स आर व्हीट ग्रैम बाली रेड टूर्नि कैरेट पियर मस्टर्ड एंड कॉलीफ्रॉक कैबेज Beans are vegetable, they are grown well in winter. Thank you. I hope all students understood. Thank you.